आएगा कि अरब ममालिक की और भारत की दोस्ती इतनी गहरी है, सबको नजर आ रही है उनकी यूनिटी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अभी दुबई के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, सऊदीया के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, क्या कहते हैं? देखें, वो फिर वही बात आ जाती है कि हर मुल्क जो है अपना पॉजिटिव चीज़ देखता है। इंडिया एक बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं हम आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पर उसको बिजनेस मिलता है, हर चीज़ वो मिलती है, ग्लोबली उसका एक वर्थ है इंडिया की अवाम की वजह से। तो आई थिंक सो कि वो अपने मकासद के लिए सऊदी अरेबिया या मुत्तहदा एमिरेट्स वगैरह अपना अगर मंदिर बनाते हैं, जो भी मर्जी बनाते हैं, तो वो तो उनको देख के बनाते हैं ना कि उनको वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें नज़र आ रही हैं कि भाई अगर हम अपने कोई प्रोडक्ट लेके जाएं या वट एवर जो भी ले हैं, उसका भी एक इंडिया का भी दुनिया में मुकाम बना लिया हुआ, हमने नहीं बनाया, उन्होंने मुकाम बना लिया हुआ है। सही पकड़े हैं, दैट्स वाई लोग उधर जा रहे हैं, चाइना भी अब जा रहा है उधर, चाइना भी काफ़ी जा रहा है। क्या बात है। तो मुझे ये बताएगा, हम अरब को कहते हैं, वो अपनी औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो हम उनको कहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, कोई सिटी बनाते हैं तो हम उन्हें, गलत बात है, ये गलत बात है, ये ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी हम अभी आपने बहुत अच्छी बात की है कि ईमान तो अंदर होना चाहिए, बाहर तो ईमान नहीं होना चाहिए। अगर किसी औरत को वो ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, ड्राइविंग दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में नहीं दे रहे? पाकिस्तान तो एक इस्लामिक ममालिक है। अगर उन्होंने 20-30 साल बाद किसी औरत को अगर ड्राइविंग लाइसेंस दिया, तो हम टाइटल दे दिया। हाँ, कि इंसान अगर कोई तरक्की करता है, अगर एक औरत है को अगर ड्राइविंग लाइसेंस देता, अगर उसके घर में कोई बंदा ही नहीं है, तो वो क्या वो सारा उम्र ये इंतजार करती रहे कि कोई बंदा आए और उसको ड्राइव लेके जाए? तो देयर इज नॉट ए, आई थिंक सो के ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सऊदीया की अगर हम इन ममालिक की बात करते हैं तो भारत के साथ ये यकजू है एक, और हम जब भारत की बात आती है तो हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या वजह है? पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है, हम तो एक मिनट में किसी को काफर कह देते हैं। तौबा तौबा तौबा, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मैं मुसलमान बना देता, हमारे जो इश्यूज ही डिफरेंट, हम पाकिस्तान तो भी पाकिस्तान वो बैठा हुआ है, इज अ टू फार अवे। वो उधर देखो, वो जहाँ वो नहीं, वो जहाँ पे वो लगा हुआ ना सोलर पैनल, वहाँ पे बैठा हुआ पैनल लगा हुआ है, हाँ वो वहाँ तक अभी बैठा हुआ, वो नहीं ये सोचता। हमारा तो हमने हमारे मसले ही नहीं हल होते, हमारे तो मसले ही नहीं, उसको बैठाया, उसको तारा, उसको बैठाया, तो वो तो हम तो दुनिया को समझ नहीं रहे कि हम दुनिया कितनी चेंज हो गई है। हम नहीं किसी चीज़ को, हमें वो ही लिया या हम अफगानिस्तान का लगा लिया, ये एक डिबेट अलग है कि हिंदू मुसलमान का क्या इशू है। एक इंसानियत के नाते अगर वो जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहा है, तो वो एक इंसानियत, उनके अपने मकासद हैं, वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, वो अपनी कोई प्रोडक्ट लाना चाहते होंगे। पहले यही प्रोपोगंडा होता है ना, प्रोपोगंडा बनाएं आप, उनको दुनिया को दिखाएं कि हम इस तरह हैं, तो फिर ही हम कहते हैं, हम तो किसी चीज़ को ओपन ही नहीं करते, हम तो इधर से इस तरफ आ जाते हैं, वन भी है तो हम ये ऐसे काट के वापस आ जाएंगे। मिनोरिटी देखें, मिनोरिटी भी वो, हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के ना, मिनोरिटी भी जैसे ही पाकिस्तान के लोग दूसरे हैं वैसे मिनोरिटी भी है। ये कहना कि जी वो बहुत ही अच्छे हैं या वो बहुत बुरे हैं, हम पाकिस्तान के का तो इशू लाना ही नहीं है ना। पाकिस्तान में मिनोरिटी भी और मेजोरिटी भी बहुत आर द सेम पेज है, वो उनको नहीं ये हम कह सकते, वो जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब मिनोरिटी को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कम सा करते हैं, और जब मेजोरिटी को तो खैर मिलते ही मिलते हैं, उनको तो बेकाते हैं। माइनॉरिटी को तो खैर सर अपॉर्चुनिटीज जितनी है वो जानते हैं हम सब। हाँ बिल्कुल सर, सही कह रही हैं। हाँ हाँ हाँ, क्यों इतने तफरके में हम पड़े? कायदे आजम ने तो मुल्क लिया था। देखो मैम, ये बात आप तफरके की बात कर रहे हो, यही तो हमारी प्रॉब्लम है, वो हम खुद नहीं पढ़ते ना। हम तेरा कह दिया तो मान लिया, उसने उस मौलवी ने कह दिया तो मान लिया, हमने कभी खुद ये तो किया ही नहीं कि कुरान क्या कहता है, उस हदीस क्या कहती है, एक इंसान का क्या है। अल्लाह ने तो ये सीधे सीधे कानून बनाए हुए हैं, वो उसमें मज़हब ले आते हैं, और पता नहीं मैं तो समझता नहीं हूँ कि वो इस तफरका में क्यों पड़े हुए हैं। एक मुसलमान बंदा और एक काफर बंदा और एक क्रिश्चियन बंदा, बुद्ध मत वट एवर जो भी है, पहले तो इंसान है, वो इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हाँ कल्चर में है और मज़हब में है वो फ़र्क है, वो उसकी मैं डिबेट नहीं करूँगा। मैं तो एक जनरल बात करूँगा कि ये जो आप कहते हैं कि लो जी अमेरिका इधर आ गया तो हम कुफर में चले गए, या वो उधर चला गया तो सऊदी अरेबिया ने ये किया तो वो कुफर में चला गया, उसने वो दे दिया कि औरतों को हकूक दे दिए तो वो कुफर में चले गए, दिस इज़ द रेकलेस थिंकिंग। मैं इनको नहीं ये इस तरह का समझता कि ये कि अगर उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया या अगर कोई अमेरिका चला गया, ये तो चला गया। पढ़ लिख ले, जैसे वो पुराना अगर आपने पढ़ा हो कि सर सैयद अहमद का जो सिस्टम था, तो लोगों ने तो उसमें ही उसको कह दिया था कि जी ये तो वो है, सिर्फ उसने कहा था अंग्रेज़ी करो, हमने उन लोगों के साथ फाइट करनी है, हम लोगों के साथ खड़ा होना है। जब आप अंग्रेज़ी नहीं समझोगे कैसे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते ना।
हमारे ये दीन मदराज जो अदारे हैं वो क्या देते हैं तालीम, मुझे तो नहीं पता कि वो क्या तालीम देते हैं। अब वो एक अलहदा पैरल चीज़ खड़ी हुई हुई है, वही लोग कह देते हैं कि ये लोग ने आपने ये बाल खुले रखे हैं तो जी आप तो इस्लाम से बाहर हो, और इन्होंने ये रखा हुआ तो अंदर बात अंदर की है, बात अंदर की है, ईमान की है कि आपका ईमान कितना कमजोर है, अल्लाह से कितना कनेक्टेड हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज किसी को भी देखते हुए फैसला दे देना, किसी को भी देखते हुए जजमेंट, ये गलत है। तब बिल्कुल गलत, हाँ ये गलत बात है, जजमेंट आप नहीं दे सकते, कैसे दे सकते हो। पहले जब आप ऐसे कहते हो ना ये तो ये चार उंगलियां आपकी तरफ भी तो अपना भी तो बताओ ना आपके। हम जनरल बात करते हैं कि दुनिया में तरक्की करना है तो क्या कुछ करना है, अगर वो चाइना इनको फॉलो करना है, मजबूती से करना है, लेकिन ये जो लोग इधर उधर, मैम अब ये देखो ना, एक बंदा अगर एक मुल्क इसराइल चला जाता है तो वो कहेंगे लो जी ये तो काफर हो गया। भाई इसराइल चला जाता तो आपको ये तो नहीं कहा कि आप इसराइल जाके तो ला इलाहा मुहम्मद रसूलल्लाह छोड़ के कुछ और पढ़ लें, फिर तो बात और समझ आती है। आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप जो भी तजारत करनी करें, सामने करें, तजारत कर सकते, किसी से भी कहाँ तो नहीं रुका हुआ कि भाई उधर नहीं कर सकते, उधर जाए उधर नहीं कर सकते, तजारत करें अपने कोल फेन पे। मैम वही बात है, आपके अंदर की ठीक होएगी तो आप आपका ईमान आपके हाथ में होता है, आप अल्लाह से कितना कनेक्टेड हो, आप कितना मजबूती से दीन को तामते हो। देखो सिंपल सी बात है कि दार और अमाल जो है वो नियतों में होता है, तो वो नियत तो हमारी तो नियत इससे शुरू हो जाता है ना। तो आप किसी को, मैं तो नहीं कहता आप इसराइल जाओ, आप इंडिया जाओ, वट एवर जो जाओ वो जाए आप। मैं तो ये कहूँगा क़यामती दौर है, उसके अंदर ये जो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा क़यामती दौर है, क्या क्या पॉसिबल है बताइएगा। पॉसिबल ये कि अच्छाई बुराई को नहीं देखा जा रहा, बुराई अच्छाई को नहीं देखा जा रहा, बस अपने माइंड, अपने ज़ुरियात और अपनी जो मफाद परस्ती है उसको देखा जा रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं करना चाहिए ऐसा आप कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अपने जो उनके लाइन के मजहब हैं वो देखें, आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं और आप क्यों उनको इतना, देखिए उनको इनवाइट किया गया है तो वो आ रहे हैं, सिर्फ इफ्तिताह में शामिल होने आ रहे हैं। ये रिजेक्ट कर देते, डिग्रेड आपको हर जगह पे किया जा रहा है, उसको तो आप कभी नहीं देखते, या कोई दूसरी लोग आपको आके बेहतरी का कोई तगमा दें तो आप तो आराम से चले गए। किसको डिग्रेड किया जा रहा है? मुस्लिम जो भी पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जा रहा है, सऊदीया के मुसलमानों को नहीं किया जा रहा डिग्रेड, सऊदीया को भी नहीं, किसी मुस्लिम कंट्री को डिग्रेड नहीं किया जा रहा। आप पाकिस्तान की बात करिए, सऊदीया को फिर मतलब सोचना चाहिए, बाकी मुस्लिम स्टेट का भी अगर किसका सोचे, पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान भी और भी ममालिक हैं, ठीक है ना, तो अगर वो नहीं, वो सब ठीक है, हम हमारी बात हो रही है, वो हमारा क्यों सोचे जब हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि अगर वो जाते हैं वहाँ मंदिर की इनॉग्रेशन करने तो क्या हमें क्यों मसला हो रहा है? हमें ये हो रहा है कि मंदिर ही तो ढाए गए थे जब इस्लाम शुरू हुआ था, और अब मंदिरों की सेटअप के लिए और आप जा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं उन्हें, ठीक है ना, बजाय डिग्रेड करने के, तो ये कोई अच्छी तो वो नहीं है इसके लिए। देखिए भारत हिंदुस्तान, वहाँ ज़्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की है, हिंदुओं की है ना, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर मंदिर बनाएंगे क्योंकि उनकी ज्यादा वहाँ पर तादाद है, बनाए, लेकिन हमें क्यों इन्वॉल्व वो मधु कर रहे हैं कि भाई आए आप, तो ताकि तो दुनिया को बता सकें कि भी देखो इनको भी अच्छा लगता है हमारा ये काम करना, ये पूजा पाठ करना। तो देखिए दुबई के अंदर भी हिंदू मंदिर बन चुका है, बने वो बड़ा, वो तो अकलियत को हमारे इस्लाम में जो दिया गया है वो तो वो हक है, इस वजह से बना, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में मुस्लिम स्टेट भी है, ये भी है, क्रिश्चनाइज्म भी है। अब इसमें अब हम कहेंगे वहाँ क्यों वो होने दें, लेकिन आपको दावत इनवाइट किया गया और आप इस मसले में कोई खाना खाने तो नहीं जा रहे आप। पाकिस्तान के अंदर कोई मंदिर बनता है, कोई इनॉग्रेशन होती है, तो क्या वो इनॉग्रेट सिर्फ हिंदू करेंगे? हम नहीं उसके इफ्तिताह में शामिल हो सकते? नहीं शामिल, देखें क्या है, क्या अखलाकियात है इस बात में, दीनी एतबार से क्या अखलाकियात है, कैसे आप शामिल होंगे? हमें अपने पाँव पे खड़ा रहना है और अपने किबले को देखना है। वो इनॉग्रेशन इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वहाँ उस सेरेमनी में शामिल हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? मतलब तो यही है ना कि हमें तो तकलीफ है ना कि यार हम जो कोई अच्छे काम करते तो वो तो नहीं आगे बीच में शामिल होते, या हम दावत भी दें तो वो कहते हैं बाय बाय। आप कैसे इजी जा रहे हो और वो अप्रिशिएट कर रहे हो? भारत और मुस्लिम कंट्रीज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कोई किसी मस्जिद में उन्होंने बुलाना, अभी इजिप्ट जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो मस्जिद के अंदर ही वो पूरा विजिट करके आए थे, क्यों नहीं गए थे मस्जिद के अंदर? वो ठीक है इस तरह से, तो काबे में भी ममनू था लेकिन काबे में पीछे ब्रिटिश वगैरह सब चले गए और बड़ी न्यूज़ बनी कि जी ये कैसे चले गए, ठीक है, तो ये तो अल्लाह जाने। अब मैं तो पहले लफ्ज़ में कहा था ये क़यामती सिलसिले हैं, अब आप उसको किसी तरह से भी देख रहे हैं, उनको प्रॉपर
रिसेंटली मस्जिद का जो था वो दौरा करवाया था प्राइम मिनिस्टर मोदी। जामिया मस्जिद के अंदर भी जाते हैं, जामिया मस्जिद का भी विजिट करते हैं भारत के अंदर जो है। इतनी हो जाती मस्जिद इस तरह से, वो एक पत्थर है, एक नीयत है, एक सोच है। इसी तरह से इनके जाने से भी कोई वो ईमान तो खराब नहीं होगा, लेकिन मैं ईमान तो हमारा है ना, ईमान हम अपने ईमान पर हम खुद हम तफरके में ना पड़े, ईमान तो हमने मजबूत रखना है ना। ठीक है, ईमान ठीक है, कोई भी मुस्लिम कंट्री इस तरह तफरके में नहीं पड़ी हुई, उनका ईमान मजबूत है ठीक है। लेकिन वो साथ ही साथ सबसे रिलेशनशिप भी अच्छे रख रही है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो। जब हम पर बात आती है तो हम कहते हैं ये हिंदू है तो ये सिख है तो ये सही है, हम इस तफरके में पड़ जाते हैं। ये चीज वो क्या नहीं करते, इंडिया वाले हिंदू नहीं करते ऐसा। हाँ, मस्जिद बहुत बड़ी बनी है, कुरान शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा वहाँ पर रखा गया है, इमाम काबा उसको इनॉग्रेट किया उन्होंने। चले ठीक है, जिसका जो है नजरिया या ईमान या एक वो तो फिर है, वो तो अकाउंटेबल है। लेकिन मैं ये तो समझता हूँ कि भाई हमारा बड़ा है ना कोई, वो ऐसा मूवमेंट ना करे जिससे कि हम कहें यार हमें तो ये तालीम दे रहा है कि हम भी ये कुछ करें, हम भी इस तरह फिर मुतनफिर हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई सबक मिल रहा है ना हमें, वो सबक दे रहे हैं कि भाई जाओ भी जाओ कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ कोई मिले जाओ भी जाओ कोई बात नहीं, जब हमारी बारी आएगी आओ भी, ये हमारा भी फंक्शन है नाज शरीफ का या कुरान खानी का। नहीं नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुहर्रम में मजलिस अटेंड की थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मजलिस अटेंड की थी मुहर्रम के अंदर। आप कहते तो मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ, उनकी नई पार्लियामेंट का आगाज हुआ था, वहाँ सूरह रहमान की तिलावत हुई थी, अभी बताइए। तो ठीक है, अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे, अगर हम तो हिदायत के लिए कहेंगे ना आओ भाई ले लो, लेकिन हमारे सिस्टम को उखाड़ने की अगर थोड़ी सी भी कोशिश है तो हमें तकलीफ होगी। अच्छा देखिए, हर किसी के अपने सेंटिमेंट्स हैं, सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। थैंक यू, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए। देखिए मजहबी आज़ादी सबके लिए है और आपका इस्लाम भी यही कहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक पुरमन है आप उसको किसी तरह भी रोक नहीं सकते, ठीक है, और अगर वो आपको इंटरप्ट नहीं करता तो इवन ये है कि अगर आपको वो जजिया देते हैं विच इज़ कॉल्ड इस्लामिक टैक्स, तो फिर आपको उनके जान माल का बल्कि तहफ़ करना है। मेरे नज़दीक तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, वो सिर्फ मंदिर की इनाग्रेशन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स वो इम्पॉर्टेंट है। अब लाइक हमारे पाकिस्तान में अगर कोई मंदिर बनता है तो ऑफकोर्स हमारे जो हिंदू कम्यूनिटी हमारे मुल्क में है वो भी यही चाहेगी कि हमारा कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंस वाला बंदा है जिसको सब जानते हों। ये पॉइंट आप जी, तो क्या जाना पसंद करेंगे आप, उनकी खुशी में शरीक होना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, कोई कबाहत नहीं है इसमें। ये बड़ा बोल्ड रिव्यू आपने दिया है, लेकिन मुझे खुशी हुई है कि आप माइनॉरिटीज को भी इंसान समझते हैं। एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि अरब ममालिक के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ता जा रहा है? ऑफकोर्स देखिए उनकी स्ट्रेटजी ऐसी है, वो इस टाइम पे सुपर पावर ऑलमोस्ट बन चुके हैं, और अगर आप उनकी प्लानिंग देखें और बाकी चीज़ें देखें और अगर आप कंपेरिजन देखें हमारे मुल्क के साथ उनका, तो यकीनन वो हमसे बहुत आगे हैं। तो ऑफकोर्स एक और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो तो उस चीज़ को प्रेफर करेंगे जो उनकी बड़ी मार्केट है, और उनके लोग भी अगर आप देखें बाहर के ममालिक में दुनिया के आप किसी मुल्क में भी चले जाएं, अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तानियों की नस्बत इंडियंस की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स इसी वजह से ऑफकोर्स वो इन्फ्लुएंस तो करेंगे क्योंकि उनके पास मार्केट है बहुत बड़ी। और इसके अलावा अरब ममालिक के अंदर भी जो है वो हिंदू मंदिर बन चुका है जिसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे, तो सर हम अरबों को याश बोल देते हैं अगर वो माइनॉरिटीज़ को हकूक देते हैं, ये क्या हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों बन गया? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद बजाते खुद 10 साल दुबई रह के आया हूँ, और एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने वहाँ पर देखी है कि वहाँ पर मंदिर और गिरजा चर्च और मस्जिद जो है वो साथ साथ है, ठीक है, और उसके अलावा ये है कि इवन उन्होंने अब जो हिंदुओं के लिए वो जो सिखों के लिए गुरुद्वारा भी बना दिया है वहाँ पे, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें इसको आप याशी का बात नहीं कह सकते, आप उनको मजहबी आज़ादी दे रहे हैं जो कि उनका एक बिल्कुल हक है, आपके मुल्क में वो रह रहे हैं आप उनको मुकम्मल तौर पर करना है। हाँ कुछ चीज़ें अगर आप देखें, एक बंदे के पास अगर पैसे ज़्यादा हैं ठीक है, अगर वो अपने पे एक्स्ट्रा खर्च करना चाहता है तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई कबाहत है, अगर वो अपने फ़राइज़ पूरे कर रहा है तो अपना एक्स्ट्रा पैसा वो जैसे मर्जी खर्च करे। तो आपको क्या लगता है कि इसी तरीके से हमें भी माइनॉरिटीज़ का हकूक देने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हम तो इसी तफरके में पड़े हुए हैं, वो हिंदू है तो वो क्रिश्चियन है तो वो ईसाई है, तो ये अगर हम उनके हकूक दे देंगे तो हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हजरतुल विदा पढ़ें तो उसमें पहली लाइन ये है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। सो वो इस्लाम में एक सबसे बड़ा खुतबा है सरकार का, जिसमें आपने क्लियरली बताया, देखें अल्लाह के हाँ आपकी इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना, आपके तकवे से फ़र्क पड़ना है, तो माइनॉरिटीज़ के लिए ऑफ कोर्स हमें सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से।
यकीनन करना चाहिए। Exactly, मुझे आपकी बड़ी बात अच्छी लगी है, वाकई हमें हर किसी को हकूक देने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।